हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ की इंग्लिश एंड ईकॉम बुक का चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड हिल चॉफिस करने जा रहे हैं। बच्चों, जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में लाइन वाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक डिटेल्ड वीडियो पहले से अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही समझदार व्यक्ति रहता था। जैसे कि अकबर के दरबार में बीरबल थे, उसी तरीके से उन राजा के दरबार में गोपाल नाम का व्यक्ति था जो कि अपनी समझदारी के लिए बहुत ही फेमस था। तो जो राजा था वो बहुत ही दुखी हो गया था क्योंकि उसके राज्य में हर तरफ जो है हिल्स ऑफ फिश के बारे में ही चर्चा हो रही थी। हिल्स ऑफ फिश बच्चों एक तरीके की फिश होती है जो कि बहुत ही फेमस प्रजाति है फिश की, और उसको बहुत उसका एक सीजन होता है जिसमें उसको खाया जाता है, और फिश मॉन्गर्स जो है उसको बहुत ही बेचते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में बेचते हैं। तो हर तरफ उसके राज्य में क्योंकि हिल्स ऑफ फिश की बात हो रही थी, हर कोई उसको कोई खरीदने की बात कर रहा है, कोई बेचने की बात कर रहा है। दरबार में भी लोग हिल्स ऑफ फिश की बात करते हैं कि इतनी बड़ी हिल्स ऑफ फिश आज मैंने देखी है, और ऐसा वैसा। तो राजा जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं ये जो हिल्स ऑफ फिश के बारे में सुन सुन करके बहुत ही थक गया हूँ। तो राजा जो है वो बहुत ही गुस्सा करते हैं, उन दरबारियों को एक बार डांट देते हैं, और फिर उसके बाद उनसे माफी मांगते हैं कि भाई मैंने आप लोगों पर खामोखा में गुस्सा कर दिया, मैं बस गुस्सा इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे हिल्स ऑफ फिश के बारे में सुन सुन के मैं बिल्कुल ही थक चुका हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि केवल 5 मिनट के लिए भी ऐसा पॉसिबल कर दे कि कोई इंसान जो है वो फिश के बारे में बात ना करे बल्कि किसी और टॉपिक पे बात करे। मैं इतना पक चुका हूँ कि अगर कोई इंसान जो है वो 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश के बारे में लोगों का मुंह बंद करवा देना तो मैं उसको बहुत ही इनाम दूंगा। और इस तरीके से राजा प्रॉमिस कर देता है, और साथ में वो गोपाल को चैलेंज कर देता है कि गोपाल भी नहीं कर सकता ऐसा काम, तो कोई और क्या, गोपाल खुद ही नहीं कर सकता कि वो सब लोगों को हिल्सा फिश के बारे में चर्चा करने से चुप करवा सके। तो इस तरीके से वो राजा सबको बोलता है और चैलेंज दे देता है। और जो गोपाल है वो दरबार में उस समय मौजूद होता है, वो कहता है ठीक है राजा जी, मैंने जो आपका चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर जो गोपाल है वो अपने घर में दाढ़ी बना रहा होता है, और वो सिर्फ आधी ही दाढ़ी बनाता है और आधा फेस ऐसे ही छोड़ देता है। तो उसकी बीबी चिंता करते भाई आपने आधी दाढ़ी क्यों बनाई, आधी दाढ़ी क्यों नहीं बनाई, वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिर उसके बाद वो अपने राख लेकर के चूल्हे की अपने मुँह पर रगड़ने लगता है, तो उसकी बीबी फिर उसको बोलती है कि भाई आप राख क्यों रगड़ रहे हो। और जो गोपाल होता है वो उसकी बातों पर फिर ध्यान नहीं दे रहा होता, और वो बिल्कुल ही फटे पुराने गंदे से कपड़े पहन करके वहाँ से घर से बाहर जाने लगता है। तो उसकी बीबी परेशान हो जाती है कि भाई मेरा पति जो है वो तो बिल्कुल पागल हो गया है इस तरीके से कि देखना आधी दाढ़ी बना के मुंह पे राख लगा करके और फटे पुराने कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं। फिर वो बाजार जाता है और सीधा और एक बड़ी सी हिल्स ऑफ फिश खरीदता है, और इस तरीके से मछली को अपने हाथ में लटका करके और झुलाते हुए लेकर के चलने लगता है। तो सारे लोग जो है वो उसकी तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं कि देखना कैसा पागल सा है, आधी दाढ़ी बनाई है, आधी दाढ़ी बनाई, अरे मुंह पे राख लगा रखी है, देखो कितने फटे पुराने से गंदे से कपड़े पहने हैं, इस तरीके से वो बातें करने लगते हैं। तो तभी वो ना राज दरबार में पहुंचता है, महल में पहुंचता है, तो जो दरबारी लोग हैं वो उसको बिल्कुल ही अंदर नहीं आने देते क्योंकि वो पहचानते ही नहीं है कि ये गोपाल है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हें अंदर नहीं जाना है। तो ये गेट पर ही खड़ा होकर के खूब तेज गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है। तो उसका आवाज़ और शोर शराबा सुन करके राजा जी जो है वो कहते हैं कि कौन आदमी है जो इतना शोर वोर कर रहा है, उसको बुलाओ महल के अंदर। तो फिर जो दरबारी हैं वो गोपाल को लेकर के अंदर आते हैं, तो जो राजमंत्री होते हैं उनमें से एक मंत्री जो है वो उसको पहचान लेता है, कहता है अरे ये तो गोपाल है। तो राजा गोपाल को देख करके बहुत हैरान होता है, कह रहा है अरे तुमने ये किस तरीके से अपने आप को बना रखा है, तुम पागल तो नहीं हो गया। और दरबार में भी सारे लोग उसके बारे में क्रेजी बातें करने लगते हैं कि भाई ये तो बड़ा ही पागल हो गया है, इसने अपना दिमाग का संतुलन खो दिया है, ये क्या बात है, ये किस तरीके से इसने ड्रेसअप कर रखा है, ये क्या हो गया है। तो राजा भी उससे वही बातें पूछने लगते हैं कि आप किस तरीके से ड्रेसअप हो रखे हो, क्या बात है, आप इतने गंदे क्यों बन रखे हो, आपने आधी दाढ़ी की शेव कर रखी है, मुँह पे राख क्यों लगा रखी है। तो जो गोपाल है वो हंसने लगता है और राजा से बोलता है कि मुझे लगता है महाराज आप कुछ भूल रहे हो। तो महाराज कहते हैं मैं क्या भूल रहा हूँ, तो कहते हैं देखो मेरे हाथ में हिल्स ऑफ फिश है, लेकिन कोई भी हिल्स ऑफ फिश की तो बात कर ही नहीं रहा है, सब तो बस मेरा लुक के बारे में ही बात कर रहे हैं, मार्केट से लेकर के महल तक बस सब मेरे लुक के बारे में ही बात कर रहे हैं, हिल्स ऑफ फिश को तो जैसे सब भूल ही गए हैं। तो इस तरीके से गोपाल का आंसर देख करके राजा जो है वो बहुत तेज हंसने लगते हैं, और साथ में दरबारी भी सारे हंसने लगते हैं, और सबको पता चल जाता है कि गोपाल ने अपनी बुद्धिमानी से ये चैलेंज भी इस बार जीत लिया है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन वाला बेल जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। मुझे इस चैप्टर में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं और साथ में जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsol.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।